डार्कस्कोप इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी माहिर जॉग बस का कहना है कि न्यूजीलैंड वासी इंटरनेट ते नकली कोरोना नतीजियां ते वैक्सीन पासपोर्ट संबंधी गल्लां बातां सांझियां कर रहे ने। कोरोना नतीजियां दी पुष्टि करदा है एक कागजात कई बारी मुल्कां विच आसानी नाल डाक वैब तो $25 विच खरीदया जा सकदा है। न्यूजीलैंड वासियां जां न्यूजीलैंड आउण वालियां वल्लों इस कागजात खरीदे जाण दी पुष्टि हजे तक नहीं कीती गई है। जॉग बस का कहना है कि इस कागजात नूं नकली रूप विच तैयार करना बहुत सौखा है क्योंकि हजे तक तस्दीक करन लई कोई भी केंद्रित पुष्टिकरण प्रणाली वरतों विच नहीं लियांदी गई है। उन्हां दस्सिया कि इस वेले ओह हर हफ्ते 200 मिलियन डाक वैब पेज स्कैन कर रहे ने अते कई बारी देशां विच इह नकली नतीजे विक वी रहे ने। उन्हां दस्सिया कि डाक वैब डीप वैब का हिस्सा है जो कि लॉगिन क्रेडेंशियल तो बगैर एक्सेस नहीं किया जा सकता। तुहानू इत्थे दस दईए कि बीते दिनी COVID-19 रिस्पोंस मंत्री क्रिस हिपकिंस वालों इस संबंधी दस्सिया गया सी कि बॉर्डर कर्मचारी पेश कीते जा रहे कोरोना सर्टिफिकेटां दी पूरी घोख करके ही किसी यात्री नू न्यूजीलैंड आउण दी इजाजत दे रहे ने। ब्यूरो रिपोर्ट NZ पंजाबी न्यूज़।